ृणमोर्हन्ताडं ऋणमो सिद्धाडं ऋणमो वायरीयाडं ऋणमो अध्यायाडं ऋणमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। अतिशय भूमि हस्तिनापुर चिदायतन तीर्थ के इस प्रांगण में अभी हमने रत्नत्रय विधान किया। तो मन में आया कि क्यों ना थोड़ी बात रत्नत्रय की ही की जाए, प्रसंग भी है और विषय भी अच्छा है। आज से लगभग 1900 साल पहले आचार्य उमा स्वामी ने, जो कि कुंद आचार्य के प्रमुख शिष्य थे, उन्होंने तत्वार्थ सूत्र की रचना की। और तत्वार्थ सूत्र की रचना करते हुए सबसे पहले सूत्र में उन्होंने लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों मिलकर एक मोक्ष का मार्ग है। इन्हें ही रत्नत्रय कहते हैं। जब इनमें त्रिविध पना देखते हैं, तीन अलग अलग देखते हैं, तो रत्नत्रय है। लेकिन तीनों अलग अलग मुक्ति के मार्ग नहीं है, बल्कि तीनों मिलकर एक मुक्ति का मार्ग है। किसने बनाया ये मार्ग? किसी ने नहीं बनाया। ये अनादि अनंत, जो जीव भी भूतकाल में सुखी हुए, वर्तमान में सुखी हो रहे हैं और भविष्य में सुखी होंगे, वो सब इसी मार्ग से हुए हैं। लौकिक मार्ग, लौकिक अवधारणाओं को बनाने वाला कोई व्यक्ति होता है, कोई समूह होता है, लेकिन पारलौकिक मार्ग को किसी ने बनाया नहीं। इस युग में भगवान महावीर ने बताया जरूर, लेकिन बनाया नहीं। जैसे आज 26 जनवरी का दिन है, आज के दिन भारतवर्ष का संविधान लागू हुआ था। और वो संविधान किसने बनाया था? वह मनुष्यों ने बनाया था। और मनुष्यों ने बनाया था, भले ही बनाने वाले बहुत बुद्धिमान रहे हों, प्रतिभाशाली रहे हों, दूरदृष्टि रहे हों, लेकिन जो बनाया जाता है वह बिगड़ता जरूर है, उसमें सुधार की अनेक गुंजाइश रहती है। तो आज के दिन जो संविधान लागू हुआ था वह मनुष्यों द्वारा बनाया गया था, और वह हर देश का अलग अलग होता है। एक देश में भी प्रदेशों का भी कुछ ना कुछ अलग अलग होता है, धारा 370, और उसके बावजूद भी उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। यही कारण है कि 100 से अधिक संविधान संशोधन भी हो चुके। लेकिन ये षट द्रव्यमय विश्व, बंध मोक्ष जिसमें वर्तमान है, इस विश्व के संविधान को किसी ने बनाया नहीं है। ये संविधान अनादि अनंत, स्वनिर्मित, स्वसंचालित, स्वयंभू है। यह मोक्ष मार्ग भी स्वनिर्मित, स्वसंचालित, स्वयंभू है। इसलिए आचार्य लिखते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता, हे भगवान, आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं, आप कर्ता नहीं हैं। रत्नत्रयी मई इस सम्यक मोक्ष मार्ग की, इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इस सूत्र की व्याख्या में आचार्य देवनंदी पूज्यपाद लिखते हैं, इस सूत्र की उत्थानिका में, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में, कि कोई आसन्न भव्य जीव, कौन सा जीव? निकट भव्य, आसन्न भव्य, कोई आसन्न भव्य जीव रमणीय वन में, कौन से वन में? रमणीय वन में आचार्य उमा स्वामी विराजते थे। किसी रमणीय वन में,
हस्तनापुर जैसा ही है ना। उस वन में कोई निकट भव्य जीव आचार्य के समक्ष गया, और आचार्य कैसे हैं आचार्य, जिनकी मुख मुद्रा ही मानो मोक्ष मार्ग को बताने वाली है। कैसी है उनकी मुख मुद्रा, मानो उनकी मुख मुद्रा ही मोक्ष मार्ग को बताने वाली है। ऐसे आचार्य के समक्ष गया और उसने पूछा कि हे आचार्य देव, आत्मा का हित क्या है? तो आचार्य ने बताया, आत्मा का हित मोक्ष है। हे आचार्य देव, मोक्ष क्या है? सभी दुखों से छूटना और ज्ञान आदि स्वाभाविक गुण प्रकट होना, इसका नाम मोक्ष है। ओहो, तो आचार्य जल्दी से मुझे उस मुक्ति का मार्ग बताइए, आखिर उस परम सुख रूप अवस्था तक पहुंचने का मार्ग क्या है? तब आचार्य उमा स्वामी के मुखार बिंद से सहज ही निकल पड़ा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इस तरह कोई ऐसा जीव जो दुखों से छूटना चाहता था, कोई ऐसा जीव जो सुख की पिपासा में घूम रहा था और उन्हें उमा स्वामी आचार्य जैसे महान संत का आश्रय मिला, ऐसे जीव की सुख की पिपासा के प्रतिक्रिया स्वरूप आचार्य के मुखार बिंद से यह सूत्र निकला। यानी जो दुख से छूटना चाहता है उसके लिए आचार्य ने यह सूत्र लिखा। क्या होते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, कैसे कोई जीव इसकी साधना करता है? अच्छा आप बताइए, कोई जीव सुखी होना चाहता है तो सबसे पहले वह क्या करे? गृहस्थों के व्रत अंगीकार करे कि मुनि व्रत अंगीकार करे? सबसे पहले वह क्या करे? सबसे पहला उसका कर्तव्य क्या है जो जीव मोक्ष प्राप्त करना चाहता है अथवा दुखों से छूटना चाहता है? क्या करे सबसे पहले? सम्यक्त्व की प्राप्ति करे। जो जीव सुखी होना चाहता है वह पहले मुनि बने, अणुव्रत ले, महाव्रत ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले जीव सम्यक दृष्टि हो, सबसे पहले वह तत्व दृष्टि करे, सबसे पहले छह द्रव्य सात तत्वों का स्वरूप समझे, भेद विज्ञान करे, और जब सम्यक दृष्टि हो जाए उसके बाद फिर अब क्या करो, अब क्या करना चाहिए, उसके बाद फिर आगे के स्टेप है। आचार्य कुंद देव प्रवचन सार में लिखते हैं, प्रवचन सार में तीन महा अधिकार हैं। एक सम्यक ज्ञान अधिकार, जिसे ज्ञान गे तत्व प्रज्ञापन कहा। दूसरा अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार, है ना, पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरा गे तत्व प्रज्ञापन, उसे सम्यक ज्ञान अधिकार कहा। और तीसरा अधिकार चरणानुयोग सूचक चोली का, जिसे जयसेन स्वामी ने सम्यक चारित्र अधिकार कहा। 200 गाथाओं तक सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की बात चलती है, गे ज्ञान की बात चलती है कि मानो अब जीव सम्यक दृष्टि हो गया, अब क्या करे। तब आचार्य 201वीं गाथा लिखते हैं, मानो कुंद देव कह रहे हैं कि यदि तुम्हें तत्व दृष्टि हो गई हो, ज्ञान गे का स्वरूप समझ में आ गया हो, सम्यक्ति हो गए हो, सम्यक ज्ञान हो गया हो, तो अब क्या करो। तब आचार्य लिखते हैं, एवं पढ़मीय सिद्धे जिणवर बस हे पुणो पुणो समड़े, पड़िवज्जदु सामंडम जदि इच्छति दुख परिमुखम, कि यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो, नहीं छूटना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि छूटना चाहते हो, ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं है, सब जीवों के लिए खुला आमंत्रण है कि यदि आप में से कोई दुखों से छूटना चाहता है तो क्या करो। बोले जो नहीं छूटना चाहते उनके लिए कोई आदेश नहीं, लेकिन जो छूटना चाहता है अब उसके लिए आचार्य आदेश देते हैं। यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो पड़िवज्जदु सामण्णम, तुम श्रामण अंगीकार करो। क्या अंगीकार करो? श्रामण अंगीकार करो, श्रवण बनो, जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करो। यानी तत्व दृष्टि के बाद मानो कुंद देव कह रहे हैं कि अब तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, उसके लिए जो भूमिका चाहिए वो हो चुकी है, अब तुम्हारे सुख
और दुख के बीच में बस एक ही है कि तुम श्रावण अंगीकार करो, है ना। तो सबसे पहले जीव सम्यक्ति हो और उसके बाद यदि उसकी संभावना है, संभव है, पात्रता है, तो वह श्रावण अंगीकार करे, मुनि व्रत अंगीकार करे, महाव्रत अंगीकार करे, दीक्षा अंगीकार करे, और यदि अपने आप में उतनी सामर्थ्य ना देखे तो उसके बाद गृहस्थ धर्म का उपदेश है। जैन धर्म में पहले गृहस्थ धर्म का उपदेश नहीं है। आप बाजार में भी जाएंगे और मान लीजिए साड़ी खरीदने जाएं, तो दुकानदार पहले कौन सी बताएगा? बढ़िया साड़ी बताएगा, समझ में आया, महंगी वाली। और फिर कहेगी नहीं नहीं आप मेरा बजट उतना नहीं है, तो फिर वो नीचे की बताएगा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाले की हैसियत क्या है, किसी के चेहरे से, किसी के पहनावे से, किसी के चाल ढाल से उसकी हैसियत का पता नहीं चलता, किसकी तिजोरी में कितना माल है। ऐसे ही जिन शासन किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करता, वो कहते सबसे पहले आदर्श स्थिति बताता है कि यदि सुखी होना चाहते हो तो सम्यक पूर्वक मुनि धर्म अंगीकार करो, लेकिन नहीं कर सकते तो फिर गृहस्थों के धर्म व्रत लो, गृहस्थ के व्रत नहीं ले सकते तो सामान्य श्राप का चार पालन करो, वो नहीं कर सकते तो कम से कम सम्यक दृष्टि रहो, और वो नहीं कर सकते तो बाउंड्री से बाहर हो जाओ, कोई मतलब नहीं है। समझ में आई थी बात की नहीं? तो इस समझ के साथ सबसे पहले जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करे। सम्यक दर्शन प्राप्ति का क्या उपाय है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय एक ही है, आगम का सेवन करे, युक्ति का अवलंबन ले, पर गुरु का उपदेश सुने और स्वानुभव करे। जब इस विधि से वह 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ भेद विज्ञान इन सबको सीखता है, तो उसके अंदर इस पहचान होती है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये दुख कैसे बन रहा है, मेरे इस दुख का उपाय क्या है, सुखी होने का उपाय क्या है। जब इस खोज में कोई भव्य जीव जाता है तो आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, गुरु के उपदेश से उसके अंदर एक अपूर्व क्रांति होती है, एक विचारात्मक क्रांति होती है, और उसे महसूस होने लगता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। तब उसे वस्तु का स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि 6 द्रव्य अपनी मर्यादा सहित परिणमन कर रहे हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, मैं अनादि अनंत अनंत गुणों का पिंड, असंख्यात प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी एक जीव तत्व हूँ, शरीर अजीव तत्व है, मोह राग द्वेष आश्रव बंध तत्व है, हे है, स्वानुभव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये संबर निर्जरा है, ये मुक्ति का उपाय है, और निर्बंध होना, दुखों से पूर्ण छूटना, ये मुक्ति है, ये मेरे लिए प्रकट करने लायक है। ऐसी तत्वों की दृष्टि उसके अंदर प्रकट होती है, संसार के परिणमन के प्रति उसकी दृष्टि प्रकट होती है कि 6 द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है, सभी पर्याय अपने अपने द्रव्य में अपने अपने समय में उत्पन्न हो रही है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, ये जो मेरी पर्याय में क्षणिक विकार है, दुख है, ये भी कोई अनंत काल तक रहने वाला नहीं है, ये नश्वर है, विभाव का हमेशा अभाव होता है, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। ऐसी उस जीव के अंदर अंतर में तत्व दृष्टि प्रकट होती है और वह जीव सम्यक दृष्टि होता है, उसे आत्मानुभूति प्रकट होती है, मोक्ष मार्ग के सबसे पीछे वाले, है ना, स्थान पर वह विराजमान हो जाता है। और जब वह जीव सम्यक दृष्टि होता है तो ज्ञान भी सम्यक होता है, श्रद्धा और ज्ञान ये दोनों एक साथ सम्यक होते हैं, और जब सम्यक दृष्टि होता है तो सम्यक दर्शन होने के साथ उसकी भावनाओं में परिवर्तन होता है, निःशंकित अंग प्रकट होता है, निःकांक्षित अंग प्रकट होता है, कोई जीवन में भय नहीं रह जाता, जन्म का भय, मरण का भय, इहलोक भय, परलोक भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय, सम्मा दिट्ठी जीवा निःशंका होन्ति निर्भया तेण, सत्य भय विप मुक्का जम्हा तम्हादु निःशंका, निःकांक्षित हो जाता है, संसार के किसी सुख के प्रति वांछा नहीं रहती, सुख बुद्धि नहीं रहती, अमूढ़ दृष्टि हो जाती है, तत्व के प्रति कोई भी मन में शंका नहीं, उपगुहन प्रकट हो जाता है,
अपने गुणों को ढकता है और दूसरों के अवगुणों को ढकता है। समझ में आया ना? निर्विचिकित्सा प्रकट हो जाता है। कोई भी धर्मात्मा ज्ञानी जीवों के मलिन शरीर को देखकर उसके मन में घिन नहीं आता, है ना। मलिन शरीर को देखकर भी ज्ञानी जन और रत्नत्रय के धारी जीवों के अंदर का रत्नत्रय उसे दिखाई देता है, साम्य भाव दिखाई देता है, शरीर की मलिनता दिखाई नहीं देती। यदि स्वयं धर्म से चित हो रहा हो और कोई साधर्मी धर्म से चित हो रहा हो तो वह उसका स्थितिकरण करता है, उसे समझाता है ना, उसकी मदद करता है, क्रियात्मक तौर पे, व्यवहारिक तौर पे, उपदेश के तौर पे, जैसे भी हो, उस जीव को धर्म से च्युत नहीं होने देता। ये उसका स्थितिकरण है, समझ में आए। और अपने साधर्मी के प्रति दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा प्रेम उसे होता है। जैसे एक गाय को तुरंत पैदा हुए बछड़े से जैसा प्रेम होता है, ऐसा उस जीव को अपने साधर्मियों के प्रति स्वाभाविक प्रेम उमड़ पड़ता है। कौन सा प्रेम? स्वाभाविक। स्वाभाविक क्यों? क्योंकि ये वात्सल्य कहीं से ओढ़ा हुआ नहीं है, ये किसी ने सिखाया नहीं। साधर्मी के प्रति वात्सल्य वो कोई बाजार से खरीद के नहीं लाया, उसे मार मार कर उसके अंदर पैदा नहीं किया जा सकता। जब उसे स्वानुभव का सुख होता है तो स्वानुभव के सुख के पिपासु जीवियों से अपने आप एक वात्सल्य उमड़ पड़ता है, जिसे वात्सल्य अंग कहते हैं। और वह अपनी वाणी से, अपने क्रिया से, अपनी सत्प्रवृत्ति से दूसरे लोगों को भी धर्म का उपदेश देता है, समझाता है, जीवन से, आचरण से, जैसे भी कर सके, ये उसका प्रभावना अंग है। तो कहने का आशय यह है, जब कोई जीव सम्यक दृष्टि होता है तो अकेला सम्यक दृष्टि नहीं होता। सम्यक दृष्टि होने के साथ इस आठ अंगमयी उसका जो व्यक्तित्व होता है वह लोकोपकारी होता है, आत्महितकारी होता है। वह सम्यक दृष्टि का अष्टयंग युत जीवन जो होता है, वह जहां बैठता है उसके उस आठ अंगों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। समझ में आया ना? उसको देखकर जीवों निशंक होने लगते हैं, उसको देखकर जीवों के अंदर परिणाम मंदता आ जाती है, उसको देखकर जीव का कषाय भाव शांत हो जाता है। ऐसा उसका बहिरंग और आंतरिक जीवन होता है जिस जीव के जीवन में सम्यक प्रकट हो जाए। वह 25 दोषों से रहित हो जाता है। वह कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा नहीं करता, 6 अनायतनों में नहीं जाता, शंका आदि 8 दोष उसके नहीं होते, है मद नहीं होते, कुल का मद, जाति का मद, है ना, रिद्धि का मद, बल का मद, है ज्ञान का मद, ऐसा कोई मद नहीं होता। क्योंकि उसने इस वस्तु के त्रिकाल स्वरूप को समझ रखा है कि ये शरीर मैं नहीं हूं। शरीर मेरा स्वरूप होता तो ये शरीर नष्ट होते ही मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन शरीर नष्ट हो जाता है, मैं जिंदा रहता हूं। इसका मतलब ये सारी वस्तुएं मेरी नहीं है। वह अपना मूल्यांकन स्वभाव से करता है तो केवल अपने प्रभुत्व से, और उस प्रभुत्व में दुनिया में किसी जीव के कोई कमी नहीं है, सब बराबर है, इसलिए कौन छोटा और कौन बड़ा। और अपनी वर्तमान परिस्थिति का भी मूल्यांकन करता है तो वह अपने अवगुण देखता है, जिन अवगुणों को उसे तराशना है। यानी द्रव्य दृष्टि से स्वयं को देखे तो भी कोई अहंकार नहीं, और पर्याय की दृष्टि से देखे तो कोई अहंकार नहीं। क्यों? क्योंकि वह सम्यक दृष्टि अभी मोक्ष मार्गियों में सबसे पीछे है, अभी उसके आगे देशव्रति है, देशव्रति से आगे महाव्रति है, महाव्रति से आगे श्रेणी वाले हैं, श्रेणी वालों से आगे अरहंत हैं, अरहंत वालों से आगे अयोगी केवली हैं और सिद्ध हैं। इसलिए स्वभाव से देखे तब भी अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं, और अपनी परिस्थिति को देखे तो भी अहंकार के लिए कहीं कोई दूर दूर स्थान नहीं है। ऐसा वह जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, सिद्धों का लघुनंदन हो जाता है ना, तत्व दृष्टि उसके हो जाती है। सिद्धांत की भाषा में कहें तो 41 प्रकृतियों का बंधन तुरंत रुक जाता है, 25 अनंतानुबंधी संबंधी और 16 दर्शन मोह संबंधी। यानी करणानुयोग की दृष्टि से उसने अनंत संसार का नाश कर दिया, अध्यात्म की दृष्टि से वह जीव मोक्ष मार्गी हो गया, समझ में आया ना, चरणानुयोग की दृष्टि से उसके अष्ट अंग प्रकट हो गए, है ना। और प्रथमानुयोग तो कोई बनाता नहीं है, उस जीव से जो प्रेरणा ले दे तो वह खुद प्रथमानुयोग बन जाता है। और वह जीव महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ पढ़ के अपनी उस ग्रस्त दशा की निंदा करता है, गर्हा करता है,
कि हे भगवान, आज चूंकि हमारी ग्रस्त दशा है, संयम लायक हमारे अंदर ताकत नहीं है, लेकिन ये ग्रस्त दशा, ये अव्रत दशा, ये असंयम की दशा मेरे लिए कोई आदर्श नहीं है, मेरे लिए कोई गौरव की चीज नहीं है। समझ सुनाई तो नहीं दे रहा पीछे? हाँ? लाइट चली गई, कोई बात नहीं, चाहो तो थोड़ा आगे आगे आ जाओ, है ना, क्योंकि नाश्ते के बाद भी मेरी आवाज इतनी तेज नहीं हो पाती। इस तरह सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है, लेकिन ये सम्यक्त की अवस्था कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि बहुत गौरवपूर्ण अवस्था हो, क्योंकि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों के एकत्व का नाम मोक्ष मार्ग है। उस जीव के सम्यक्त तो है, सम्यक ज्ञान तो है, लेकिन अभी सम्यक चारित्र नहीं हुआ है। चारित्र की आंशिक शुद्धि तो है, लेकिन अभी वो चारित्र जिसके चलते हुए वह जीव मोक्ष प्राप्त कर सके, ऐसा चारित्र बन तो अभी वह जीव नहीं हुआ। तो क्या करता है? अभ्यास करता है। अभ्यास के लिए क्या करता है? अभ्यास मतलब क्या? अंतर्मुखी साधना, यानी क्या कि अपने अंतर्मुखी उपयोग को और प्रगाढ़ बनाता है, और प्रगाढ़ बनाता है तो एक क्षण ऐसा आता है सामायिक के काल में कि वह जीव अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म का नाश कर देता है और उसे देश व्रत, देश संयममयी अवस्था प्रकट हो जाती है। समझ में आया ना? देश व्रत के अंतर्गत 11 प्रतिमाएं आती हैं, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, है ना, सामायिक प्रतिमा आदि। 11 प्रतिमाओं का स्वरूप भी हमें बहुत अच्छे से जानना चाहिए। कहने का आशय यह है कि अभी मुनि अवस्था तो नहीं आई, लेकिन अब अव्रत रूप अवस्था भी नहीं रही। इस तरह उस जीव के पंचम गुण स्थान प्रकट हो गया। अभी उसके संयोग भी हैं, विवाह करे तो पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, आजीविका के अन्य साधन भी हैं, कोई व्यापार में है, कोई नौकरी में है, और आजीविका के साधन होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस पंचम गुण स्थान वर्ती गृहस्थ जीवन भी अपने आप में इतना पवित्र होता है, मुनियों जैसा तो नहीं, लेकिन समझ लो मुनि बनने की अभ्यास का नाम गृहस्थ दशा है। पंडित आशाधर जी लिखते हैं सागर धर्मामृत में कि गृहस्थ दशा किसका नाम है और मुनि अवस्था किसका नाम है। कहते मुनि धर्म, मुनि बनने की भावना का नाम गृहस्थ दशा है। गृहस्थ दशा किसका नाम है? यद्यपि सवस्त्र है, लेकिन निर्वस्त्र होने की भावना का नाम सवस्त्र दशा है। घर में है, लेकिन ग्रह के त्याग की भावना होने का नाम गृहस्थ है। समझ में आया ना? और वह भावना फलीभूत हो जाए उसका नाम मुनि दशा है। यानी यह जीव गृहस्थ में जरूर रहता है, लेकिन जैसे मानो निर्लेप रहता हो, हंसता हुआ दिखाई देता है लेकिन वो हंसता नहीं है, संयोगों में थोड़ा कष्ट में दिखाई देता है लेकिन उसके अंदर एक तत्व ज्ञान का दिया ऐसा जल रहा है कि जिसमें उसे कष्ट की अनुभूति नहीं होती। 2400 घंटे उसका व्यवहारिक जीवन में भी उसकी साधना चलती है। जब वह भगवान के सामने मस्तक नबाता है तो वह तो उसकी साधनात्मक अवस्था है ही। जब वह हाथ में जिनवाणी लेके अध्ययन करता है, तत्वों को सीखता है, वो तो साधनात्मक अवस्था है ही। जब वह जीव सामायिक में बैठकर यह महसूस करता है, एगो में सासदो अपाड़ाण दंसण लखणो शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लखणा, तब तो वह साधनात्मक अवस्था है ही। ग्रस्त दुकान पर बैठा है वहां भी साधना करता है। समझ में आया? पैदल चल रहा है वहां भी साधना कर रहा है, किसी से बातचीत कर रहा है वहां भी साधना कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो मैं बताता हूं कैसे हो सकता है। आप दुकान पर बैठ रहे, यद्यपि दुकान कोई बहुत गौरव का काम नहीं है, पाप का काम है, लेकिन दुकान पर बैठे बैठे जब आप ग्राहक से बातचीत करते हैं और आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी वाणी से कोई झूठ ना निकल जाए, हमारी वाणी से कोई ऐसी बातें ना निकलें कि ये गुमराह हो जाए, ग्राहक और दुकानदार का संबंध बड़ा विश्वास का है, तो हमारे मुंह से कोई छल का वचन ना निकले, हमारे मुंह से कोई ऐसा वचन ना निकले कि झूठ उसके कान में पहुंच जाए, भविष्य में कोई दिक्कत आए डीलिंग में,
आप अपने वाणी पे सावधान हैं, आपकी वो साधना है। आप प्रयत्न पूर्वक ऐसी कोशिश करते हैं कि हम ऐसे लोगों से ज्यादा बातचीत ना करें जो हमारी ऊर्जा को खाते हैं, जो हमारे उपयोग को खाते हैं। आप जब सावधान होकर लोगों से बातचीत करते हैं और जो लोग उपयोग खाते हैं उनसे बचने की कोशिश करते हैं, उनसे थोड़े से दूर हटने लगते हैं, ये आपकी साधना है। ये क्या है? आपकी साधना है। समझ में आया ना? आपके जीवन में कोई पाप का उदय आया है, कोई ऐसी स्थिति है, रोग है, शोक है, कोई भी स्थिति बन सकती है। ग्रस्त का जीवन आप देखते तो हैं क्या क्या कितनी कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन उस मुश्किल के समय पर आप अपने तत्व ज्ञान को संभालते हैं, विचार करते हैं कि ये तो कर्म का उदय है, हमेशा नहीं रहेगा। अरे हमें तो इससे बड़े बड़े कष्ट झेलते हुए ज्ञानी गृहस्थों को देखा है। समझ में आया ना? और जब ऐसा विचार करके आप परिणामों को स्थिर रखते हैं, ये आपकी साधना है। समझ में आते? जब आपको कहीं रिश्तेदारी में जाना हो, कहीं लौकिक काम में जाना हो, लेकिन आप ऐसी जगह जाते हैं कि ऐसी जगह जाना हम पसंद करेंगे जहां हमें सुबह से देव दर्शन मिल जाए, स्वाध्याय मिल जाए, साधर्मियों का सत्संग मिल जाए, तो लौकिक क्षेत्र में भी आपने वो प्रमुखता चुनी। और जब आपके जिंदगी के डिसीजंस आप लेते हैं, ये आपकी साधना है। किसकी? एक गृहस्थ जीवन की साधना बता रहा हूं। समझ में आया ना? और किसी भी कीमत पर अपने षट कर्मों को वह ग्रस्त नहीं छोड़ता है। देव दर्शन करता है, पूजा करता है, पात्रों को दान देता है, रोज कुछ ना कुछ छोटा छोटा संयम पालन करता है, स्वाध्याय करता है। ये एक गृहस्थ का जीवन होता है। सद गृहस्थ का जीवन ऐसा होता है। यद्यपि वह गृहस्थ है, लेकिन उसके जीवन में अनासक्ति रहती है। और आपको क्या बताएं, रत्नकर्ण श्रापकाचार्य के 102वें श्लोक में और मूलाचार में भी आचार्य ने लिखा कि जब कोई गृहस्थ जीव सामायिक में बैठता है, कौन सी अवस्था में? सामायिक में बैठता है, तो सामायिक के समय शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि सामायिक के समय में वह मानो मुनि हो जाता है। कौन हो जाता है? मुनि हो जाता है, महाव्रती हो जाता है। आचार्य लिखते हैं, प्रश्न किया कि हे आचार्य देव, जो जिसके शरीर पे वस्त्र है वह सामायिक के काल में मुनि कैसे हो जाता है? तो आचार्य ने, वसुनंदी आचार्य ने जवाब दिया मूलाचार्य की टीका में कि जैसे किसी मुनि के ऊपर उपसर्ग करते हुए वस्त्र पहना दिए जाएं, तो वह स्वस्थ है कि मुनि है? कोई मुनि तपस्या कर रहे हैं और कोई उनके ऊपर जाके वस्त्र डाल दे, तो वो वस्त्र का परिग्रह है कि उपसर्ग है? उपसर्ग है। ऐसी कहते ग्रस्त दशा भी में भी यदि कोई जीव सामायिक कर रहा है, तो सामायिक काल में वस्त्रों का मानो जैसे उस पर उपसर्ग है, और उस दशा में उसे मुनि व्रत कहा, महाव्रत कहा है। किस दशा में? उस दशा में। क्यों? क्योंकि वह आधे पौन घंटे का जो उसका काल है, जैसे मुनिराज सर्व सावध विषय कषाय का त्याग संकल्प पूर्वक ताउम्र के लिए करते हैं, उसने उतने समय के लिए उसका पूरी तरह से त्याग कर दिया, मानो उतनी देर के लिए वह मुनि ही हो गया। कुछ दशा की बात चल रही है? वो हकीकत में कोई मुनि नहीं हो गया, हकीकत में कोई साधु परमेष्ठ नहीं हो गया, लेकिन गृहस्थ जीवन की साधना में, गृहस्थ जीवन की उत्कृष्ट साधना को भी आचार्य ने कितना महिमा मंडित किया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वह सामायिक काल में वह जीव शुद्धोपयोगी होता है, सामायिक काल में वह परिणामों को स्वरूप में मग्न करता है और सिद्धों से बातें करता है, तीन दिन सुख का आनंद लूटता है। लेकिन जब शुभोपयोग की बाहर की दशा में आता है, ऐसा लगता है अरे मैं कहाँ आ गया। सही सुखमयी दशा तो कौन सी थी? वो थी। लेकिन पुरुषार्थ की कमजोरी है कि वापस आता है, फिर गृहस्थी के कार्यों में लगता है। लेकिन ये अनासक्ति और आसक्ति की ये जो मिश्र रूप अवस्था है ना, गृहस्थ की परिस्थिति तो आसक्ति और अनासक्ति के मिश्र रूप है, लेकिन उसकी दृष्टि में आसक्ति नहीं है, उसके विजन में, उसके उद्देश्य में आसक्ति नहीं है। उद्देश्य तो उसके अंदर अनासक्त स्वरूप की ही है ना। ऐसे वह जीव जब तक मुनि दशा ना हो, तब तक ऐसे गृहस्थ के व्रतों का पालन करते हुए मानो मुनि बनने का अभ्यास वह गृहस्थ जीवन में कर रहा हो। और लौकिक सब काम होते हैं उसके जीवन में, दुकान मकान व्यग्र भी होता है, आकुलित भी होता है, लेकिन एक दुनिया उसकी अंदर की ऐसी है कि ना वहाँ पत्नी है, ना बच्चे हैं,
ना गृहस्थ है, ना कोई रिश्तेदार है, ना दुकान है, ना मकान है। उसका एक है अंतरंग बहुत अलौकिक दुनिया, जिस दुनिया में वह 2400 घंटे रहना चाहता है, लेकिन उपयोग वहां हमेशा नहीं रह पाता। बाहर आता है, अफसोस मनाता है, भीतर जाता है, आनंदित होता है। ऐसी दुविधापूर्ण दशा उस गृहस्थ की होती है। लेकिन अंगारे के ऊपर राख आ जाए, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उसके अंदर आग खत्म हो गई। समझ में आया ना? कब तक चलेगा ये? दो नाव में सवारी कब तक होगी भाई? दो नाव में सवारी कितनी देर कर लेगा? ऐसी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भी दो नाव में सवारी कितनी देर कर लेगा? एक पैर अंदर में और एक पैर बाहर में, एक पैर स्वभाव में और एक पैर घर में। ये कब तक हो जाएगी दो नाव की सवारी? ये ज्यादा दिन तक नहीं चलती। और उसका पौरुष बढ़ता जाता है, पौरुष बढ़ता जाता है, अंतर की विशुद्धि बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और एक दिन किन्हीं आचार्य के समक्ष जाकर, है ना, आचार्य के सामने वह न्यौछावर हो जाता है कि हे आचार्य देव, आप मुझे ग्रहण करें और मुझे मुनिव्रत जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कराएं। समझ में आए ना? उस स्थिति में लिखा आचार्य कुंदकुंद देव ने, है, एवं पड़मीय सिद्धे जिणवर बसहे पुणु पुणु समड़े जदि इच्छा पड़ी बजदु सामंडम जदि इच्छदि दुख परिमोक्षम। यदि तुम दुख से छूटना चाहते हो तो श्रावण अंगीकार करो, आदेश है। और वह जी श्रावण अंगीकार करता है। और जब वह मुनि के आचार्य देव के समक्ष पहुंचता है कि हे आचार्य देव, मुझे दीक्षा प्रदान करें, तो आचार्य ऐसे नहीं है कि कोई भी आ जाए और कहे कि चलो कपड़े उतारो। नहीं, आचार्य उसकी परीक्षा लेते हैं, उसकी पात्रता देखते हैं और वह आदेश देते हैं कि जाओ जरा पूछ के आओ, किससे 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 पूछ के आओ। आचार्य, मैं सबसे पूछ कर आ गया। नहीं, तुम पूछ के आओ। और वह पूछने जाता है किससे? गाथा है आपच्छ बंधु बग्गम विमोचतम गुरु कलत्र पुत्ते, कि वह गुरु से, कलत्र मतलब स्त्री से, पुत्रों से, परिजनों से पूछ कर आता है। आचार्य उपदेश दे, पूछ कर आओ तुम। और जब वह पूछने जाता है तो आचार्य अमृतचंद देव ने इस प्रसंग में इतने अच्छे संवाद लिखे। वह जीव जाता है, अपने पिता से कहता है कि हे पिता, हे मेरे शरीर के पिता। किसके पिता? हे मेरे शरीर के पिता, आप निश्चय से मेरे पिता नहीं हो। हे मेरे शरीर की माता, आप मेरी माता नहीं हो। अब तो मैं अनाज, हे मेरी स्त्री, तुम मेरी रमणी नहीं हो। अब मैं अनादि नित्य अपने पिता, अपने प्रभु के पास जाना चाहता हूं, कृपया मुझे इसकी आज्ञा प्रदान करें। समझ में आती है ना? जैसे आचार्य प्रश्न करते हैं उस प्रसंग में कि आचार्य देव, ये पूछने की शर्त क्यों क्यों पूछते हैं? जब निर्णय ले लिया ना हमने, जब डिसीजन ले लिया कि हमें दीक्षा लेनी है, तो पूछना क्यों? और मना कर दें तो? मान लीजिए पिता मना करें, आज तक किसी पिता ने, माता ने, पत्नी ने खुशी खुशी तो कहा नहीं होगा कि हाँ ले लो, नहीं कहा होगा। समझ में आया ना? कितनी तत्वज्ञान माता पिता पत्नी हो, वो दीक्षा लेने कोई जाए तो ये आंसुओं की बाढ़ लाए बिना नहीं रहेंगे। किसने कहा होगा? और मान लीजिए मना करें, कोई पिता एकदम नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, तो क्या होगा? ऐसा प्रश्न किया किसने? आचार्य जयसेन स्वामी ने, तात्पर्य व्यक्ति में। तो आचार्य ने जवाब दिया कि देखो, ये इजाजत नहीं है, ये इजाजत के लिए नहीं जाता, वो जाता है प्रभावना के लिए। प्रभावना के लिए? इसमें कौन सी प्रभावना है? यदि इजाजत नहीं देंगे तो दीक्षा नहीं होगी। बोले नहीं, दीक्षा तो होगी, फिर इजाजत लेने क्यों? बोले उसके पीछे कारण है। कारण ये है, आपको पता होगा, जब मोहल्ले में कोई आईआईटी के उसमें पास हो जाए, आईएएस की परीक्षा निकल जाए, तो चर्चा हो जाती है कि नहीं? पूरे नगर में अखबारों में नाम आएगा, सम्मान होगा, रिश्तेदारों में दावतें होंगी, होता है कि नहीं? जब पता चल जाए किसी व्यक्ति को
कि एक 20 साल का युवक, 25 साल का युवक, 11 साल का युवक, 11 साल का युवक होता है, 11 साल का बालक, 8 साल में भी दीक्षा होती है, 8 साल का नौनिहाल, इतना छोटा तो कोई है ही नहीं हमारे यहां बैठा है, कोई ऐसा बालक, युवक, किशोर जब अपने घर में माता पिता के सामने, परिजनों के सामने इच्छा व्यक्त करेगा कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं, तो तहलका मच जाएगा कि नहीं मच जाएगा, चर्चे हो जाएंगे कि नहीं, मोहल्ले में से लोग निकल निकल के आ जाएंगे कि नहीं, ताऊ चाचा जो भी होंगे गली में खड़े हो जाएंगे कि नहीं, ये कैसी बात कर रहा है, कैसी वैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है ये 11 साल का बच्चा, बात समझ में आ रही। तो वह एक एक व्यक्ति से, अब 11 साल के बच्चे की पत्नी तो होती नहीं, गाथा में तो आचार्य ने पत्नी भी लिखा, वो तो सबके सामान्य लिखा, हो तो नहीं हो तो, है ना। तो वो एक एक व्यक्ति से जाके पूछता है, ताऊ से, गुरु से, पत्नी से, बच्चों, बच्चे हो तो बच्चों, सबसे पूछता है। और पूछना नहीं है, वो दरअसल सूचना देता है कि कल से मैं नहीं आऊं तो तुम पुलिस में रिपोर्ट मत लिखा देना, गुमशुदगी दर्ज मत करा देना, समझ में। वो व्यवस्था है एक चरणानियोग की। लेकिन आचार्य लिखते हैं कि जब वो एक एक से पूछने जाएगा तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी कि नहीं, कि एक व्यक्ति दीक्षा लेने जा रहा है, भैया देखो तो, आप तीरगरान से कोई दीक्षा लेने के लिए जाए तो शोर शराबा हो जाएगा कि नहीं, हल्ला हो जाएगा कि नहीं, लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं, घर परिवार के एक दूसरे को फोन कर करके बुलाएंगे, ताऊ को, चाचा को, अरे भैया आगे तुम ही समझाओ, मैंने तो बहुत समझाया है तो मान नहीं रहा। तो मालूम वो किस बात का प्रतीक है कि ये सारी फौज खड़ी है, ये चाचा, ये ताऊ, ये दादा, ये दादी, ये मोहल्ले वाले, ये सब, वो मानो एक व्यक्ति चैलेंज देने जा रहा है सबको। काय के लिए जा रहा है? चैलेंज देने के लिए जा रहा है कि मैं आचार्य महाराज के सामने दीक्षा लेने जा रहा हूं, मैंने संकल्प किया है कि मैं महाव्रत अंगीकार करूंगा, मुनि बनूंगा, समझ में आया। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है सूत्र पाहुड़ में, रवि सिज्जदी बत्त धरो जिन सासणे जद भी होय तिथहरो, लग्गो भी मोख मग्गो सेसा में उमग गया सब्बम, कि कितना ही कुछ हो जाए जिन शासन में, है ना, लेकिन वस्त्र धर के कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, वस्त्र सहित मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, भले ही वह तीर्थंकर क्यों ना हो, उन्हें अभी वस्त्र का त्याग करना पड़ता है। मैं जा रहा हूं, तो जब वह जीव दीक्षा लेने के लिए जाता है तो वो जो वहां खड़े रहते हैं वो शर्म से गड़ जाते हैं, वो 80 साल का दादा, 80 साल का नाना, 80 साल का ताऊ शर्म से गड़ जाता है कि वैराग्य का परिणाम तो मुझे आना चाहिए लेकिन ये 20 साल के बच्चे को आ रहा है, धिक्कार है मुझे। वो जो लाइन में लगे रहते हैं, लाइन से खड़े रहते हैं जन परिजन, वो शर्म से गड़ जाते हैं, अफसोस मनाते हैं, समझ में आए ना। रोने धोने वाले भी अफसोस मनाते हैं कि देखो जीव तो ये है, पुरुषार्थ तो इसके अंदर है, ओज तो इसके अंदर है, पराक्रम साहस तो इसके अंदर है, कितनी भयंकर सर्दी गर्मी भूख प्यास की चिंता किए बिना, शारीरिक सुखों की चिंता किए बिना, एकमात्र आत्मिक सुख को पाने के लिए समस्त राग द्वेष के बंधन को तोड़ के जा रहा है, तो उसकी उस वैराग्य के संकल्प को देखकर बाकी लोग शर्म से गड़ जाएं। और क्या पता उनमें से भी एक दो ऐसे जीव निकल आए, बोले मैं भी चलूंगा साथ में। इस उद्देश्य से शास्त्रों में पूछने की व्यवस्था है, बात समझ में आती है कि नहीं। और ऐसा हुआ नहीं क्या प्रथमान योग में? आप पुराणों में जाइए तो ऐसे स्थल सैकड़ों मिल जाएंगे। जब जम्बू स्वामी ने विवाह के अगले दिन सुबह जब ये संकल्प लिया कि मैं जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके जंगल की ओर जाऊंगा, तो उनके साथ उनकी चार रानियों ने भी दीक्षा ले ली, उनके माता पिता ने भी दीक्षा ले ली, उस चोर ने जो विद्युत चर चोर था उस चोर ने भी दीक्षा ले ली। बोलो, एक व्यक्ति का संकल्प, एक व्यक्ति के संकल्प ने कितने जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर दिया। यद्यपि सबका अपना अपना एक संकल्प है, अपना अपना, समझ में आया ना, लेकिन व्यवस्था आप समझे ना। और जहां शादी के ढोल नगाड़े थे, शहनाइयां थी, उत्सव थे, दावतें थी, मिठाइयां थी, रसगुल्ले थे, है ना, वो शामियाना था, डीजे था, डांस था, चमक दमक थी, लाइट थी, वो सारा दृश्य बदल गया। जो भी रानियां
कितने तरह का श्रृंगार करके कैसे कैसे रंगीन वस्त्र पहन के बैठी थी, सब सफेद वस्त्रों में आ गई। समझ में आए ना? ऐसे लोग वस्त्र और आभूषण उतार उतार के फेंकने लगे। ये काय का नतीजा है? ये उसी बात का नतीजा है कि जब एक व्यक्ति संकल्प व्यक्त करता है कि मैं जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करूंगा, तो बाकी लोग शर्म से गड़ जाते हैं। तब आचार्य कहते जा पूछ के आओ। समझ काय के लिए? मानो जैसे वो उसमें देखा होगा ना आपने, चैलेंज कुश्ती होती ना, कुश्ती रेसलिंग, तो वो जो चैंपियन होता है अंत में वो घुमाता है ना, क्या कहलाते हैं उसका, मतलब क्या होता है कोई माइका लाल तो ये भी एक चैलेंज होता है। तब शास्त्र में व्यवस्था लिखी, कौन सी? कि जाओ तुम पूछ कर आओ, जब तुम पूछने जाओगे तो लोग शर्म से गड़ जाएंगे। मुझे पता है जो चलकर सारे बंधन तोड़कर मेरे पास तक आ गया वो संकल्प लेके ही आया है, फिर भी वो पूछने जाता है। समझ में आए ना? और कुंद आचार्य के विषय में तो लिखा कि जब वो पूछने गए और उनकी माँ ने बहुत रोई, तो उनने कहा देखो माँ तुम्हें जितना रोना है रो ले, लेकिन ये कसम खाता है बालक कि आज के बाद किसी दूसरी माँ को नहीं रुलाऊंगा। समझ में आए ना? तो ये आप वज्र ना भी वो बारह भावना आती ना, वैराग्य भावना, उसमें क्या था, 60,000 पुत्र थे उस चक्रवर्ती के, और जब वह दीक्षा लेने जाने लगे तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को तिलक किया। बोले क्या हुआ पिताजी? बोले भैया संसार असार है, ये राज काज ये सब तो भाव बिगाड़ने वाली चीजें हैं, आत्मा का अहित करने वाली है ना, अब तुम इस राज्य को संभालो, अब मैं दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष मार्ग की साधना करूंगा। तो बेटा कहता है अच्छा एक बात बताओ, ये राज सत्ता अच्छी है कि बुरी है? यदि अच्छी है तो तुम छोड़ के क्यों जाते हो, और बुरी है तो मुझे देके क्यों जाते हो? बोले मैं भी तुम्हारा ही बेटा हूं, अपने बेटे से इजाजत लेने गए ना दीक्षा की, ये इजाजत ही है, व्यवस्था है। बोले मुझे देके क्यों जाते हो? उसने वो स्वीकारा नहीं और अपने छोटे भाई को कहा मैं पिता के साथ दीक्षा लेने जा रहा हूं, तुम अब राजपाट संभालो। उसने भी वही प्रश्न किया, यदि ये बुरा है तो मुझे देके क्यों जाते हो, और अच्छा है तो तुम छोड़ के क्यों जाते हो? ऐसे एक एक करते गए, 60,000 पुत्रों ने दीक्षा ले ली, और अंत में जब कोई नहीं था तो एक पुत्र वधु गर्भवती थी, अभी पैदा नहीं हुआ वो, और उसके माथे पे तिलक लगा के वो दीक्षा लेने चले। तो आप समझे पूछने का अर्थ क्या है? पूछने का अर्थ ये है कि जब एक व्यक्ति पूछता है तो जिससे पूछते हैं ना उसके भी कर्म बंधन ढीले पड़ जाते हैं, देखने वालों के कर्म बंधन ढीले पड़ जाते हैं कि जो काम ये कर सकता है 20 साल का 18 साल का 11 साल का बच्चा, मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझ में कौन सी कमी है? समझ में आया ना? इसलिए व्यवस्था लिखी। और वह पूछने जाता है और सहर्ष स्वीकृति लेकर वह फिर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करता है आचार्य के समक्ष, आचार्य का शिष्यत्व अंगीकार करता है, महाव्रत अंगीकार करता है, सर्व सावध का त्याग करता है। पांच महाव्रत है ना, ये पांच महाव्रत 28 मूल गुणों की जो व्यवस्था है ये भी स्थाई नहीं है। स्थाई व्यवस्था तो एक है सर्व सावध का त्याग, समझ में आया ना, सर्व सावध का त्याग। ये तो उसे विस्तार से समझाने के लिए 28 तरह की व्यवस्थाएं की है। व्रत तो एक ही है, सर्व पाप कार्य का त्याग, सर्व विषय कषाय आरंभ का त्याग। और ऐसा उस जीव ने संकल्प लिया और आचार्य के संग में उनकी आज्ञा के अनुसार उसका आहार उसका विहार, कोई दोष लगता है तो वह प्रायश्चित लेता है ना, निर्दोष रीति से अंतराय टालते हुए है ना आहार लेता है, जब लगे कि आहार से तप में वृद्धि होगी तो आहार लेता है, जब लगता है कि आहार से तप में बाधा पहुंचेगी तो बास करता है, कोई दोष हो तो गुरु के समक्ष जाकर कहता है, चलता है चार हाथ जमीन देख के चलता है, शरीर की सर्दी गर्मी भूख प्यास सबको समता भाव से सहन करता है, शरीर में रोग हो जाए शोक हो जाए अपने समता भाव का आश्रय लेता है। ऐसे ऐसे उसका पूरा मुनि जीवन उसका होता है। अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण
अर्घाभ तारन असि प्रहारन मैं सदा समताधरन। समसत बंधु बग्गु समसोह दुख पसंसलिंद समो, है ना, समलोट ठुकन चढ़पुण जीवित मरणो समो समणो। शत्रु में, मित्र में, कंचन में, कांच में, कोई आरती उतारने वाला हो, कोई है ना तलवार से काटने वाला हो, सबके प्रति समानता का भाव, है ना। देखो ये भी समता भाव का बाहर से गणित है कि शत्रु और मित्र को समान देखे। समता भाव के लिए बाहर देखना जरूरी है, कंचन और कांच में एकता देखे। समता भाव के लिए बाहर देखना जरूरी है, माने पहले हम देखें ये शत्रु है मित्र है, फिर चूंकि मैं मुनि हूं मुझे समता भाव रखना चाहिए इसलिए दोनों मेरे लिए समान है, इसका नाम समता भाव है। समता भाव सुखमयी अवस्था का नाम है। वह जब जीव अपने समत्व में अपने स्वभाव में स्थित होता है तो कोई दिखे ही नहीं, दिखेगा तो हम शत्रु मित्र का भेद करेंगे ना, दिखेगा तो हम शमशान और महल का भेद करेंगे ना, दिखेगा तो हम कंचन और कांच का भेद करेंगे ना। जब दिखेगा ही नहीं तो कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई कंचन नहीं, कोई कांच नहीं, इस अवस्था का नाम समता भाव है। इस समता भाव की वह मुनि आराधना करता है, समझ में आया ना। कदाचित विशिष्ट प्रतिभा का धनी हो और उपाध्याय हो तो स्वयं भी पढ़ता है, अपने संघ के अन्य साधुओं को भी पढ़ाता है। मान लीजिए विशिष्ट प्रतिभा के बल पर वह जीव आचार्य हो जाए तो स्वयं के चारित्र में दृढ़ रहते हुए दूसरों को भी चारित्र में दृढ़ करता है, ऐसा उस मुनि का जीवन होता है। और यदि आचार्य हैं और उन्हें अब लगे कि अब तो मुझे उम्र कम है, समाधि का समय निकट आ रहा है, तो वह आचार्य पद छोड़ देते हैं, किसी साधु को अपने संघ के किसी प्रतिभाशाली और योग्य को आचार्य पद देके वह उस संघ से विहार हो जाता है, उनका दूसरे संघ में जाके समाधि लेते हैं, समझ में आए ना। ऐसे उनकी मुनि जीवन की साधना होती है, लेकिन ये साधना ही तो है, अभी साधना चल रही है, अभी साध अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई है। शुद्धोपयोगी तो हुए हैं लेकिन अभी शुभोपयोग का अंश, अभी कषाय का अंश जिंदा है। मोक्ष मार्गी हुए हैं लेकिन अभी मोक्ष मार्ग के उस बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं कि जहां बस एक कदम और रखा कि मुक्ति। अभी पुरुषार्थ अधूरा है, यद्यपि गृहस्थ की अपेक्षा से उनका प्रचार बहुत पौरुषवंत है वो, लेकिन अभी पुरुषार्थ का अधूरापन अभी भी है क्योंकि अभी कषायांश जिंदा है। लेकिन उसके लिए करें क्या, यही जीवन है कि बस शुद्ध उपयोग की साधना करते हैं, शुद्ध उपयोग की साधना करते हैं, शुभ उपयोग में आते हैं, वंदना भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं, सब करते हैं, नित समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव की सब करते हैं, लेकिन उद्देश्य उनका क्या है, अपने स्वरूप में स्थिर रहना। पद्मनंदी पंचविंशतिका में आचार्य पद्मनंदी देव लिखते हैं कि जब मुनिराज शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हम भट्टी में आ गए हों। काय में आ गए हों? भट्टी में आ गए। क्यों? क्योंकि उनकी अवस्था ऐसी है। हम मंदिर में आते हैं तो घर छोड़ के आते हैं, मुनिराज मंदिर में आते हैं तो शुद्धोपयोग से बाहर आके आते हैं, इसलिए उन्हें भट्टी लगती है और हमें वो छाया लगती है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? ऐसी साधना चलती जाती है, शुद्धोपयोग शुभोपयोग, अंदर बाहर अंदर बाहर, और अंदर की विशुद्धता बढ़ती जाती है, कषाय क्रश होती जाती है। और ऐसे ही किसी एक अवस्था में वह किसी पर्वत के ऊपर वृक्ष के नीचे गर्मी सर्दी भूख प्यास आदि की समस्त बाधाओं को सहते हुए उन्होंने अपने उपयोग को ऐसा अंदर में डुबो दिया कि संजुलन कषाय भी नष्ट हो गई। समझ में आया ना, अपूर्व करण हुआ, अनिवृत्तिकरण हुआ, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान हुआ, क्षीण मोह गुण स्थान हुआ, क्षीण मोह गुण स्थान में उन्होंने समस्त कषाय का नाश कर दिया, और क्षीण मोह गुण स्थान के अंतिम समय में कहें अथवा तेरहवें गुण स्थान के प्रथम समय में कहें उन्होंने अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कर ली और चार घातीय कर्मों का नाश कर दिया और वह अनंत अवस्था रूप विराजमान हुए। समझ आ रही है बात? अभी मोक्ष हुआ कि नहीं? अभी मोक्ष मार्ग ही है, अभी मोक्ष नहीं हुआ है, समझ में आया। और जब संयोग कबली अवस्था में वह जीव हुआ तो कम से कम अंतर मुहूर्त और अधिक से अधिक तो कोई है ना
आठ वर्ष अंतर मुहूर्त कम एक कोटि पूर्व तक अरहंत अवस्था में रह सकता है ना। अरहंत अवस्था में क्या हुआ है, दिव्य बिटप बहुपन की वर्षा, दुंदु आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भा मंडल भारी, ये तो प्रार्थी हारे मन हारी, सारे अतिशय अंतर्मुखमयी जिन मुद्रा, परमोदारिक शरीर, कमलासन, 64 चमर, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन भगवान जैसे सबसे निर्लय, सबसे निर्लिप, उनके लिए तो ये सब होते हुए भी मानो नहीं। केवल ज्ञान प्रकट हो गया, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक काल प्रकट केवली भगवंता, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, तिकाल अणच्य विषमम शैलम सबत्थ संभवम चित्तम, जुगवम जानदि जोंडम अहो हिणालस्य माहप्पम, सब कुछ ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन हे भगवान जैसे आप तो बिल्कुल निर्लेप हैं, सब कुछ जानते हुए भी जैसे कुछ नहीं जानते, सब कुछ होते हुए भी जैसे आपके अंदर कुछ नहीं है, आपके अंदर केवल आनंद की धारा है, आनंद की धारा है, ऐसे आनंदमयी अवस्था में उनकी वह अनंत अवस्था होती है। लेकिन अभी बाह्य रूप से चार कर्म विराजमान है, आयु विराजमान है, गोत्र विराजमान है, वेदनीय विराजमान है, समझ में आया ना, नाम कर्म विराजमान है ना, और अंदर में शुक्ल ध्यान बढ़ा और उन्होंने जाके अयोग केवली रूप अवस्था, मन वचन काय का स्पंदन रुक गया, अयोग केवली हुए और अंतर मुहूर्त में चुटकियों में आ ई हू है ना, चुटकी इतने समय में उन्होंने अन्य चार अघाती कर्मों का भी नाश कर दिया और वह मोक्ष में विराजमान हो गए। अब मोक्ष हुआ, अब तक वह मोक्ष मार्गी थे और अब जाके उनको मोक्ष हुआ। तो जो साधना सम्यक्त से प्रारंभ हुई थी, जो साधना आत्म स्वभाव के विश्वास से प्रारंभ हुई थी, जो साधना देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से प्रारंभ हुई थी, जो साधना सात तत्वों की प्रतीति, नौ पदार्थों की श्रद्धा से प्रारंभ हुई थी, ग्रस्त दशा में, उस कमजोर दशा में प्रारब्ध हुई थी, आज वह साधना वहां जाके पूर्ण हो गई। और ये किसका फल था, ये फल रत्नत्रय का था। किसका था, ये रत्नत्रय का फल था। जब उस शिष्य ने जाके पूछा कि हे आचार्य उमा स्वामी देव, उस मुक्ति का मार्ग क्या है, समझ में आया ना, कुंदक आचार्य उमा स्वामी देव को उस पूछने वाले की योग्यता समझ में आई कि ये जी कितना पात्र है, क्योंकि कोई दुनिया के जी बातें ये भी पूछ सकते थे कि हे आचार्य देव हमारे चिदायतन का उद्धार कैसे होगा, है ना, हमारी लौकिक सफलताएं कैसे मिलेंगी, हमारा स्वास्थ्य कैसे होगा, समाज में शांति कैसे होगी, ऐसे दुनिया में भरमाने वाले और ऐसे गुमराह पुरुष बहुत हैं जो खुद गुमराह हैं, दुनिया को करते हैं, लेकिन इस भरे जंगल में कोई एक जीव ऐसा आया जिसने मुझसे पूछा कि हे आचार्य देव मुक्ति का मार्ग बताइए, जब ऐसा पात्र जीव सामने मौजूद होता है तब आचार्य के वचन भी ऐसे ही निकलते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, समझ में आया ना, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मिलकर मोक्ष के मार्ग। सूत्र इतना महान क्योंकि सूत्र के पीछे कारण रूप में जो सामने एक पूछने वाला पात्र जीव बैठा है आसन्न बंब, उसकी जिज्ञासा भी इतनी महान। जब ऐसा पात्र जीव सामने होता है तो ज्ञानियों के रोम रोम से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। वह मोक्ष मार्ग रत्नत्रय है, उसी की हमने पूजा की, हम सब भी रत्नत्रय के धारी हों, है ना, बहुत टाइम हो गया है इसलिए रत्नत्रय के धारी हों, ऐसी भावना के साथ बात समाप्त करते हैं। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप।